बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ प्रिज्म एंड टर्म रिलेटेड विद द प्रिज्म, है ना? क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ प्रिज्म की, कि व्हाट इज़ प्रिज्म। तो ध्यान से देखें, प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मीडियम कंसिस्टिंग थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस एंड टू ट्राइंगुलर सर्फेसेस। तो बच्चों, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मीडियम होता है जिसमें थ्री रेक्टेंगुलर और टू ट्राइंगुलर सर्फेसेस होती है। जहाँ तक बात करें थ्री रेक्टेंगुलर टू ट्राइंगुलर सर्फेस का, तो सामने देखें एक फिगर आपको नज़र आ रहा है। इस फिगर में बच्चों ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ फर्स्ट रेक्टेंगुलर सर्फेस। व्हाट इज दिस? इट इज सेकंड रेक्टेंगुलर सरफेस एंड दिस वन इज थर्ड रेक्टेंगुलर सरफेस। क्लियर है बच्चों? फिर ऊपर देखो, व्हाट इज दिस? इट इज द फर्स्ट ट्राइंगुलर सरफेस एंड दिस वन इज सेकंड ट्राइंगुलर सरफेस। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट यू मीन बाय प्रिज्म। तो वंस अगेन हियर, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट बाउंडेड मीडियम कंसिस्टिंग थ्री रेक्टेंगुलर एंड टू ट्राइंगुलर सरफेसेस। लेकिन बच्चों, जैसा प्रिज्म अभी मैंने यहाँ पे 3D फिगर बनाया है, इस तरह का फिगर हम लोग जनरली यूज़ में नहीं लाते हैं। जनरली बुक्स में आप देखेंगे या कॉपी में हम लोग जब प्रिज्म की बात करते हैं, तो बच्चों इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप हम लोग बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें, नाउ इन अ फॉलोइंग फिगर दिस पी क्यू एंड आर इज प्रिज्म। नाउ हियर दिस पी क्यू एंड आर एस आर नोन एज टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एंड हेयर दिस क्यू आर इज बेस ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों, जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में हमने एक ट्रैंगल शेप लिया है, यही ट्रैंगल शेप प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो पी क्यू आपको साइड दिख रही है, यहाँ से आप देखें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? दैट्स वाई इस सरफेस को बच्चों हमने नाम दिया कौन सा? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेम एज हियर, देखें ध्यान से, पी आर में जो लाइट है, वंस अगेन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बच्चों क्लियर हो गया, व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रिज्म। नाउ हियर पी क्यू एंड पी आर आर नोन एज टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है। ये जो बच्चों अभी मैंने बोला कौन सा? क्यू आर क्या है बच्चों? ये हमारा बेस ऑफ प्रिज्म। अब बच्चों, एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, पैरी टर्मिनोलॉजी लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखें। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड जनरली द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। कैसा है? तो यूं भी देख लें कि ट्राइंगल के तीनों एज का जो सम है वो कितना होता है? 180। कितना है बच्चों? एक एज की बात करें तो कितना हो जाएगा? 60, 60, 60, दैट मीन्स 180। तो नाउ हियर एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों? 60 डिग्री। अगली टर्म पे चल रहा हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। व्हाट इज दिस? इंसिडेंट रे। क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्रैक्शन हुआ। एंड हमने बताया था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट अपने राइट पास से स्लाइटली डेविएट हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? इट इज रिफ्रैक्टेड रे। वंस अगेन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, फिर अपने राइट पास से डेविएट होगा। व्हाट इज दिस? इमर्जेंट रे। तो बच्चों फिर ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया और जो इमर्जेंट रे, इसको बैक डायरेक्शन में प्रोसीड किया। दोनों जिस पॉइंट पे जाके मीट होते हैं, इनके बीच का एंगल बच्चों क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन हमारा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों क्लियर है? बहुत छोटी छोटी सी टर्म है। तो क्या बोला अभी तक अपन ने? द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन बच्चों, जहां तक क्यूरियोसिटी की बात करें, तो हमको पढ़ाया जाता है कि एंगल वो प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है ना? तो अब उसी मैजिक
फिनोमिनन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए वंस अगेन, व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रिज्म एंड दिस वन इज वाइट लाइट. व्हेन वाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, दिस वाइट लाइट गेट स्प्लिटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स. दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो क्या बोला बच्चों मैंने कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं बच्चों इस फिनोमिना को बच्चों? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. फिर आगे बढ़ें, ध्यान से देखें, अगर स्क्रीन के ऊपर हम बात करें तो हमको एक कलर बैंड ऑप्टेंड होता है. तो नाउ हियर द कलर बैंड विच इज ऑप्टेंड ऑन स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम. तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर जो हमको कलर स्ट्रिप्स मिलती हैं, जो कलर बैंड मिलता है, उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. जहां तक बात करें ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम का, तो बच्चों नीचे से पढ़ते हैं क्या हो जाएगा, ये विबग्योर है ना, VIBGYOR. व्हाट इज दिस? विबग्योर. तो कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे यहाँ भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ फॉर्म. तो बच्चों बात करें यहाँ पे, अब ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा. इन्हें बोला ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम क्या बताया था? विबग्योर. बच्चों जब हम वायलेट कलर से और रेड कलर की ओर जाते हैं तो जो कलर है उनका वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है. दैट मीन द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ. तो कहाँ से चालू करेंगे बच्चों? वी से और आर पे खत्म करेंगे. कभी कभी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग वेवलेंथ. अब डिक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करें तो बच्चों आर से चालू करना है और वायलेट की तरफ जाना है. एक बार और आप लोगों को इन कलर का थोड़ा सा से आपको फैमिलियर करा दें इन टर्मोलॉजी से. वी दैट मीन्स वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड. अब हमारे मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया ऊपर रेड कलर और नीचे वायलेट कलर क्यों मिला, है ना. कभी कभी ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं कि वाई रेड कलर इज ऑप्टेंड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म एंड वायलेट कलर इज ऑप्टेंड एट बॉटम ऑफ प्रिज्म. तो बच्चों ये थोड़ा सा एक मैथमेटिकल के थ्रू हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. तो एक रिलेशन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. ये जो बच्चों आप म्यू माइनस वन देख पा रहे हैं, आपको पता है, पढ़ा है हमने, व्हाट इज म्यू? इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. तो बहुत ध्यान से अगर हम लोग देख पाएंगे तो बच्चों आप देखें यहाँ पे कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वी ऑलरेडी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. दैट मीन्स व्हाट? कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अब बात करें रेड कलर का, तो आपने देखा बच्चों रेड कलर का वेवलेंथ कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है, मतलब डेविएशन कैसा होगा? मिनिमम होगा, राइट. इसी तरह वायलेट कलर के लिए बात करें बच्चों, तो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो कैसा है? मिनिमम है. और वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ मिनिमम, मतलब डेविएशन क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा, है ना. तो कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो हमको याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट. सिंस वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम, देयरफॉर इट्स डेविएशन इज मिनिमम, एंड वेवलेंथ फॉर वायलेट कलर इज मिनिमम, देयरफॉर इट्स डेविएशन इज मैक्सिमम. दैट्स व्हाई रेड कलर इज ऑप्टेंड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म एंड वायलेट कलर इज ऑप्टेंड एट बॉटम ऑफ प्रिज्म. तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वेवलेंथ के. रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है, दैट मीन्स उसके लिए डेविएशन एंगल क्या होगा? मिनिमम. और वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ मिनिमम है, मतलब उसके लिए वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम होगा. और यही कारण है कि स्क्रीन पे जब हम कलर की बात करते हैं तो रेड कलर कहाँ मिलता है बच्चों हमको? टॉप ऑफ प्रिज्म पे. और वायलेट कलर कहाँ मिलता है बच्चों हमको? बॉटम ऑफ प्रिज्म पे. तो बच्चों ये छोटा सा मतलब जो है इंट्रोडक्शन था प्रिज्म के बारे में एंड फिनोमिनन ऑप्टेंट फ्रॉम प्रिज्म. तो बच्चों एक खास चीज फिर ध्यान से देखना कि यहाँ से यहाँ तक जो व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हुआ, उस फिनोमिनन को तो हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन. और जितनी भी कलर बैंड है वो सभी स्ट्रेट ऑप्टेंट नहीं होते, वो अपने राइट पास से क्या होते हैं? डेविएट भी हो जाते हैं. तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज डेविएशन. दैट मीन्स व्हेन व्हाइट लाइट और सिंपली व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, इट डिस्पर्स एज
वेल एज डेविएट टू, मतलब दोनों तरह के फिनोमिनन होते हैं, डिस्पर्शन भी होता है और राइट पास से लाइट चूंकि अपने पास से डेविएट होती है तो यहाँ पे डेविएशन भी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, तो याद रखिएगा व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म इट गेट्स डिस्पर्स एज वेल एज डेविएट टू, एंड हेयर रेड कलर इज ऑप्टेंड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म एंड वायलेट कलर इज ऑप्टेंड एट बॉटम ऑफ प्रिज्म। ओके बच्चों, तो अपना कॉन्सेप्ट बनाइएगा बढ़िया।